हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपका सीमा सीक्रेट रेसिपी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज की रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सब्जियों में मैंने लिए हैं आलू, गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च, पनीर, मटर। आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, तेल, हींग, तेजपत्ता, इलायची और दो लौंग। मैंने कढ़ाई ली है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो हम इसमें अपना ऑयल डालेंगे। ये 3 चम्मच के करीब तेल है। अब हम तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। हमारा तेल है जो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक तेज़पत्ता, लौंग, इलायची डालेंगे, इसे थोड़ा हिलाएंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे, हम इसमें जीरा डालेंगे, हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। हमारा जीरा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हमारी प्याज जो है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा हुआ है। हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उनका पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। तो अब हमारी प्याज का मसाला अच्छे से भून चुका है। इसमें टमाटर डालेंगे, अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब इस मसाले को अच्छे से भुनने के लिए हम इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। इसे पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि मसाला हमारा पका है या नहीं पका है। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें अपनी सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च, और लास्ट में डालेंगे हम मटर। अब मैं इन्हें अच्छे से जैसे मिल गए, अब मैंने इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढक के 15 मिनट के लिए पकाऊंगी लो फ्लेम पे। हमारी सब्जी को बनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। एक बार हम उसे चेक कर लेते हैं। एक बार मैं लिड हटा के देखती हूँ। मैं इसको एक बार मिक्स कर देती हूँ। हमने सब्जियों को एक बार चेक कर लिया है और अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे लिड लगा के 10 मिनट और पकाएंगे। हमने गैस का फ्लेम में एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप मिक्स वेज बनाएं तो आप जो सब्जियों को आप उनको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप फ्राई ना करना चाहो तो आप सिंपल जैसे मैंने बनाया ऐसे भी बना सकते हैं। और एक बात और, जब भी हम मिक्स वेज बनाएं तो हमें टमाटरों को पीसना नहीं चाहिए, ना ही हमें प्याज। हमारी सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार हम इसे फिर से चेक कर लेंगे। अभी हमारी सब्जियों में थोड़ी सी कमी है पकने में, तो इसे हम 5 मिनट के लिए और पकाते हैं। तो लीजिए, हमारी मिक्स वेज की सब्जी तैयार हो चुकी है।
मैंने इसे सर्व किया है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर धनिया डाला है जिसे ये देखने में अच्छा लगे। तो अगर आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है या अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे हिट करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय।